सिमरांचल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की ओर। बुजुर्ग किसान परिवार एक साथ बैठा भूख हड़ताल अनशन पर। रसूलाबाद के लहरापुर मेन जीटी रोड के समीप बेशकीमती जमीन पर भू माफिया दबंग के द्वारा पीड़ित किसान की जमीन पर कब्जा किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी किसान को न्याय नहीं मिला और थक हार कर किसान परिवार के साथ भूखा अनशन पर बैठा। पीड़ित बुजुर्ग किसान ने बताया कि गाटा संख्या 1704 रकबा नंबर 0.1540 हेक्टेयर जमीन की इंतखाब किसान के नाम से है। वही गांव के राम प्रसाद यादव पुत्र भारत व विजय सिंह व चंद्र प्रकाश पप्पी आदि ने जबरन कब्जा करने का बुजुर्ग किसान ने आरोप लगाया है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित जमीन का न्यायालय में मामला चल रहा है। किसान द्वारा लगाए गए आरोप की जांच की जा रही है। वहीं जांच में पुनर्निवास में आवंटित जमीन पर व्यक्तियों द्वारा कब्जा किए जाने का सामने आया है मामला। किसान की संबंधित जमीन की भी जांच की जाएगी। पूरा मामला रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के पाल नगर भेसाया का है। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? पाल नगर। क्या मामला है, क्यों आज अनशन पे बैठे हैं? सर हमारी जमीन है, हमको नहीं मिल रही। कहीं शिकायत की थी आपने? हाँ सर, कई एक पद हमने भेजी। कहाँ कहाँ शिकायत की? हम यहाँ गए मुख्यमंत्री गांधी करी और मजिस्ट्रेट करी, यहाँ सभा करी, कोई सुनवाई नहीं। कई एक अपनी किसान दी है। कब से परेशान है? 3 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आज अनशन पे बैठे हैं। हाँ सर, क्या मांगे हैं, कौन अब तक आया यहाँ? हमारी मांगे सर एक है कि अवैध कब्जा खाली करवाया जाए और हमारी जमीन हमको दी जाए। जमीन आपकी है? हाँ। कब्जा कौन की है? कब्जा की है राम पटा। तो उनका भी क्या उसमें है, कुछ लिखा पड़ेगा? एक बिछुआ नहीं, नाम ऐसे ही कब्जा की है। कब्जा की है। अगर आज अनशन बैठे हैं, सुनवाई नहीं होती है, तो क्या अनशन चलता रहेगा? अनशन आप चाहे महीनों बीत जाए। मैम, पालनगर में एक परिवार अनशन बैठा हुआ है, उसका कहना है कि उसकी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। क्या मैम इसके कार्रवाई की जाएगी इस मामले में, क्या पूरा मामला है ये? जी, अभी हमें क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई है कि अमर सिंह ये शायद अपने परिवार सहित ये अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि इनके जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इसमें मेरे द्वारा पहले ही जांच कराई जा चुकी है। मौके पर इनका जो रकबा है वह है पूरा है। ये क्षेत्रीय लेखपाल कानून और तहसीलदार की रिपोर्ट से जानकारी हुई है। इसके अलावा जो राम प्रसाद पुत्र भारत सिंह है, उनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस बात की पुष्टि हुई है कि इनके द्वारा पुनर्वास की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इसके संबंध में तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 का बेदखली का वाद चल रहा है, जिसमें 31/10/23 तारीख नियत है। न्यायालय की कार्रवाई के उपरांत ही कोई भी अग्रिम मेरे तरफ से कार्रवाई की जाए।